गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चलिए आप लोग सब फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे कि हम लोग अपनी ये क्लास स्टार्ट कर सके बिना लेट हुए। ठीक, कल हम लोगों ने टॉप 25 क्वेश्चंस पॉलिटी के रिवाइज किए थे, आज हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस हिस्ट्री के रिवाइज करेंगे। ठीक है, आज जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री, मतलब आधुनिक भारत और आपके प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, ये तीनों भारत का हम मिक्सचर लेकर आए, सारे मिक्सचर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए आप लोग सब फटाफट रेडी हो जाइए। और मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाहूंगी कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कोई टॉपिक ऐसा है जो आप लोग को पढ़ना है, कंप्लीटली फ्री है आप लोगों को टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने के लिए, बस ये है कि आप लोगों को टॉपिक मैंशन करना हो। ठीक है, गुड इवनिंग सियाजियो 7, गुड इवनिंग सोफिया पर्ल्स, गुड इवनिंग प्रियांशु, गुड इवनिंग पारितोष। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ब्रॉट अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण में लाया गया था? 1773, 1793, 1830 या 1833, बताइए। बेटा मॉडर्न हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं वो तुम लोग कई बार कर चुके हैं, बट जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो क्वेश्चंस कभी रिपीटेड नहीं मिलेंगे। तो अगर आज हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट है तो मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, इन तीनों हिस्ट्री के मिक्सचर क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ, आपको अगर एंशियंट या मिडिवल हिस्ट्री के किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो वो टॉपिक आप मेंशन कर दीजिए, वो टॉपिक मैं आपकी डिमांड पर पढ़ा दूंगी। ठीक है, ठीक भाई, किस एक्ट की मैं आपकी पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंदर आ गई थी ब्रिटिश? देखिए मैं हिंट दूंगी थोड़ी सी कहानी वाली कि फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर विदेशों में भी काम करती थी, थोड़ा नुकसान हो गया था इन्हें। ठीक, तो इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट से कुछ पैसों की डिमांड की थी, तो उन्होंने कहा पैसे देंगे बट हाथ से कंट्रोल हमारा, कुछ इस तरीके की चीज इन्होंने बोली थी। अंकित, ऑफलाइन क्लासेस महिंद्रा में होती है, वो बेसिकली ऑफलाइन क्लासेस नहीं खाऊंगी, ऑनलाइन क्लासेस खाऊंगी, वो पेड ऑनलाइन क्लासेस होती है। ठीक है, विवेक, जय श्री राधा कृष्ण। नहीं विवेक, खाली मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं है, मिडिवल एंड एंशियंट हिस्ट्री दोनों। ठीक भाई, प्रैक्टिस सेट है, तीनों हिस्ट्री है, मॉडर्न, मिडिवल एंड एंशियंट। चलो इसका आंसर ये एग्जैक्टली सही है, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन लोगों को बोला था कि देखिए हम पैसे देने को आपको तैयार है, बट यहाँ पर हमारा एक बहुत सिंपल सा मैटर ये है कि हम अब से आपके यहाँ पर हम भी थोड़ा बहुत आपकी कंपनी में पार्टिसिपेट करेंगे, या इंडिया में आपकी तरफ से हम भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करेंगे, ये पर्टिकुलर पॉइंट इन्होंने बोला। ठीक, नहीं सारे स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट मेड गांधी जी टू अंडरटेक अ फास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। निम्नलिखित में से किस विवाद में गांधी जी को पहली बार उपवास करने के लिए प्रेरित किया? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, आपके अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, पंजाब अनरेस्ट, पूना पैक्ट, बताइए। गांधी जी ने पहली बार अनशन कब किया था, तब गांधी जी की बात नहीं माननी जा रही थी तो उन्होंने अनशन का रास्ता अपनाया, मतलब भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया। पूना पैक्ट नहीं हो सकता बेटा, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, तक नहीं आया, उससे पहले कई बार हंगर स्ट्राइक पे जा चुके थे। ठीक है, प्रियातोष ने बोला है मैम अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अरुण गुड इवनिंग, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक सॉफ्टवेयर पर्ल्स एंड विवेक का भी है, ओली काफ का भी अहमदाबाद। ठीक,
वेरी गुड, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा आंसर अहमदाबाद वाला बिल्कुल सही है। ठीक, हंगर स्ट्राइक इन्होंने पहली बार बिल्कुल सही 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में ली थी, जहाँ पे मिल जो इतने भी आपके मिल वर्कर्स थे, ये मिल वर्कर्स के यहाँ पर आपको प्लेग बोनस की बात कर रहे थे। प्लेग एक बीमारी होती है, ठीक है ना, उस बीमारी के डिफरेंस में लोगों ने काम किया, रहते हुए काम किया, उससे लड़ते हुए काम किया, कई लोग इनके कई जानने वाले इनकी डेथ हो गई, तो उसी की बात यहाँ पे चल रही थी कि बोनस मिलना चाहिए, प्ले बोनस मिलना चाहिए, तो उसी की डिफरेंस है। ठीक है, मिल ओनर की कितना इन्होंने कहा था कि इंक्रीज करो 35%। ठीक, तो पहली बार गांधी जी जब बात नहीं मानी जा रही थी तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के टाइम पर ही हंगर स्ट्राइक या भूख हड़ताल पर गए। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was commander in chief in India between 1902 and 1909, noted for large scale reforms, the greatest of which was the merger of three armies of presidencies into unified armies. थ्री प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, इन तीनों प्रेसिडेंसीज के आर्मी को जोड़कर हमने एक यूनिफाइड आर्मी बना ली थी। इस समय के आपके कमांडर इन चीफ कौन थे? सर चार्ल्स मॉनरो, आपके लॉर्ड किचनर, आपके बेउचाम डफ या कैनिंग? विवेक पूना पैक को गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी दोनों के बीच में बात हुई थी, डिस्कशन हुआ था, प्रोमिसेस हुए थे, बट उसको साइन मदन मोहन मालवीय जी ने किया था हिंदू महासभा की तरफ से, दलित सभा और हरिजन सभा की तरफ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। ठीक है, ऋतिक का आंसर आ रहा है बी। ठीक, बी आंसर से आज सविन का होलीक्राफ्ट ने बोला आंसर डी। ये आंसर सॉफ्टवेयर पोल्स का है, कह रहा है मैम मैं गेस कर रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आप अपने नॉलेज से गेस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट आप देख तो रहे हो, गेस कर रहे हो, बट एटलीस्ट आप देख तो रहे हो कि नहीं। ठीक, चलिए गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए चेक करते, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आंसर भी एग्जैक्टली सही है आप लोगों का, सर लॉर्ड किचनर। ये जो सर लॉर्ड किचनर है ये एग्जैक्टली सही आंसर है। इन्होंने ही आपकी जो तीनों आर्मी थी, आपकी बॉम्बे की, आपकी मद्रास की, आपकी बंगाल की, इन तीनों आर्मी को आपस में जोड़कर एक बड़ी आर्मी बनाई थी। उसी के कमांडर इन चीफ कौन बने थे? आपके लॉर्ड किचनर बने थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फाउंडेड बाय हूम इन 1936? बताइए मैम, एमटीएस में जीके एडवांस भी पढ़ाना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, बहुत एडवांस जीके नहीं पढ़नी पड़ेगी, एमटीएस में थोड़ा इजी लेवल ही होता है। बट देखो मैं हमेशा आप लोग को इजी लेवल प्रैक्टिस कराती आ रही थी जितना भी, बट अगर आप इस वीक हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि जो क्वेश्चंस अभी तक आपने प्रैक्टिस ना की हो। आप लोग खुद जानते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जब से हमने पढ़ाना शुरू किया मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि आप लोग को प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस नहीं कराए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस आपकी डिमांड होती है। ठीक, तो इसे जब हम लोग इसमें आते हैं तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कंप्लीटली मिक्सचर होता है। चलिए, तो यहाँ पे ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो कब बनी है आपकी? 1936 में बनी है। ठीक, अभी 1936 में किसने बनाई ऑल इंडिया किसान सभा? आपके महात्मा गांधी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जेबी कृपलानी जी ने, या आपका
कह सकते हैं एस सरस्वती जी ने। बताइए किसने बनाई है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किसके द्वारा की गई है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो। बिल्कुल सही प्रियातोष, प्रियातोष ने बिल्कुल सही टाइमिंग लिखी है। यरवड़ा जेल, यरवड़ा जेल बिल्कुल सही है बेटा, यरवड़ा जेल में ही हुआ था आपका, पूना के यरवड़ा जेल। ठीक, इस पे कोई बच्चा गलत नहीं बोल रहा, सारे स्टूडेंट्स मेरे सही आंसर दे रहे हैं। आप इतना पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को कि आंसर्स गलत आने के चांसेस बड़े कम हैं, इसीलिए थोड़े अच्छे नए नए क्वेश्चन आते हैं, टाइम लग जाता है बट इसीलिए अच्छे नए नए क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। बताइए भाई फटाफट, जे बी कृपलानी और एस सरस्वती जी आंसर में हो रहा है। नहीं नहीं, अरुण ने आंसर जे बी कृपलानी दिया, ठीक, सरस्वती आंसर होली क्राफ्ट ने दिया, ठीक, सीआर 07 ने दिया, मैथ फॉर इंडिया नामी ने आंसर सी दिया, सॉफ्टवेयर पर्ल्स ने आंसर डी दिया। चलो चेक करते हैं हम लोग, हमारा आंसर डी एग्जैक्टली सही है, आपके स्वामी सहज आनंद सरस्वती। ये ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहज आनंद सरस्वती जी ने 1936 में लखनऊ में ही बनाई थी, ठीक है। और याद रखिए स्वामी सहजानंद जो थे आपके पहले प्रेसिडेंट भी बने हैं किसान सभा के, पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं किसान सभा के आपके, कौन, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। ठीक, ये बात समझ में आई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो नया क्वेश्चन है कि नहीं है, किसान सभा के बारे में पढ़ रहे हो। नकुल गुड इवनिंग, चलिए पुराने क्वेश्चंस क्या करोगे प्रैक्टिस करके, नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिसमें कुछ इजी कुछ टफ क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट एनी बेसिन। बताइए एनी बेसिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। चलिए, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, she led the salt satyagraha movement with Mahatma Gandhi, she was the first president of Indian Home Rule League। ठीक, बताइए इनमें से क्या सही, 1, 2 and 3, सिर्फ 1, 2 and 3 या नन, बताओ। she led the salt satyagraha movement with Mahatma Gandhi, क्या आपको लगता है कि नमक आंदोलन में ये गई थी महात्मा गांधी जी के साथ, ठीक, ये होम रूल लीग की पहली प्रेसिडेंट बनी है, क्या आपको ये लगता है, या ये आपकी पहली प्रेसिडेंट रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, बताइए। ठीक विशाल, एक्चुअली मैं स्पेस नहीं थी इसके लिए मैंने नहीं किया, बट विशाल थोड़ा सा आप इतना नॉर्मल वाली इंग्लिश थोड़ी सी आप रेडी रख, बिकॉज एसएससी के पेपर में एक सेक्शन में तो पूछ ली जाती है, सिंपल पूछ रहा है क्या आपकी ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एनी बेसेंट जी, क्या आपका जो नमक सत्याग्रह हुआ था, नमक सत्याग्रह आंदोलन जो महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था, मतलब दांडी मार्च, उसमें ही महात्मा गांधी जी के साथ थी, ये क्या प्रथम अध्यक्ष रहे हैं इंडियन होम रूल लीग की, बताइए। ओनली वन आंसर अरुण का आया, प्रियातोष बोल रहा है कि मैम सरोजनी नायडू साथ में थी, गुड वेरी गुड, अमित गुड इवनिंग, 1 and 3, देखो मुझे पता है तुम लोग कंफ्यूज हो, होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की थी बट क्या ये प्रेसिडेंट थी, होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की थी पर क्या ये प्रेसिडेंट थी, ओनली 20 सही है तुम्हारा, कंफ्यूज क्यों हुए प्रियतोष, देखो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था मैं मान रही, होली कॉप का आंसर सही, जो बच्चों ने बी आंसर दिया एग्जैक्टली सही, मेरे बहुत से बच्चों ने बी आंसर दिया पर बाद में सोचे कि होम रूल लीग तो इनने, होम रूल लीग में तो ये थी ही थी, हो सकता है ये प्रेसिडेंट रही, नहीं इन्होंने होम रूल लीग बेटा बनाया था, ये होम रूल लीग की प्रेसिडेंट नहीं रही, ये होम रूल लीग की प्रेसिडेंट नहीं रही, प्लीज इस बात का ध्यान रखें।
ठीक है। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। विच अमंग दी फॉलोइंग वॉज द करेक्ट टाइटल ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वेन इट वॉज ओरिजिनली पेंड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय गान का सही शीर्षक था जब इसे मूल रूप से राजेंद्र टैगोर जी ने लिखा था। जनगण मन, आपका भारत भाग्य, भारत भाग्य विधाता या भारत विधाता। क्या इसका ओरिजिनल नाम था जब आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा ही था तब इसका ओरिजिनल नेम क्या था। अभी ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में आएंगे आप अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट्स वाला जाकर देखिएगा पूरा चैप्टर जिसमें मैंने कॉन्टिनेंट्स रिवाइज करवाया, आप वो वाला जाकर पूरा सेशन देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ज्योग्राफी के। स्वप्निल स्वप्निल यहाँ पर मैंने ज्योग्राफी का जो पूरा सेशन लिया है जो कॉन्टिनेंट्स वाला वो जाकर देखो एक बार, और भी वे सेशन ले चुकी हैं ठीक, माउंटेन्स करके सब खाली माउंटेन्स का भी सेशन ले चुकी हूँ वो जाके देखो सब पॉइंट्स क्लियर होंगे। गुड इवनिंग तबस्सुम, गुड इवनिंग प्रियंका। चलिए बताइए इसका फटाफट आंसर क्या होगा आपकी नजरों में, क्या नाम था। मैम जनगण मन, ठीक जनगण मन, आंसर सी नकुल का आया है, बाकी किसी स्टूडेंट का नहीं दिख रहा मुझे। आंसर सी नकुल, बाकी स्टूडेंट्स का क्या है चेक करें। आंसर डी, आंसर डी एग्जैक्टली सही है बेटा, क्या सही है, आंसर डी सही है आप लोगों का, आंसर डी परफेक्टली सही है ठीक है। भारतो भाग्य विधाता, ये आंसर बिल्कुल सही है। ये किस बुक में लिखा हुआ है आपकी, नेशनल एंथम इंडिया का जो है वो ओरिजिनली कंपोज कैसे हुआ था, भारतो भाग्य विधाता ठीक। ये आपका तत्व बोधिनी पत्रिका थी उसमें पब्लिश किया था देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने ठीक है, जो कि आपकी ऑफिशियल पब्लिकेशन था ब्रह्मो समाज ठीक। और ये लिखा किसके द्वारा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ओके ये बात समझ में आई, सबसे पहली बार ये पब्लिश हुई तत्व बोधिनी पत्रिका में ठीक। कंपोज किसने किया था, भारतो भाग्य विधाता नेशनल एंथम ठीक, 24 जनवरी 1950। बताइए ये पॉइंट्स क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आ गया। चल नेक्स्ट पॉइंट, हु वॉज द फर्स्ट डच मैन टू रीच इंडिया, भारत पहुंचने वाला पहला डच व्यक्ति कौन था। हु मैन, फिलिप वन, फिलिप सेकेंड, नन ऑफ द अबव, बताइए कौन है। भाई कौन होगा भारत पहुंचने वाला पहला डच, कौन लग रहा है। अभी तक तुम लोगों ने पहला ब्रिटिशर पढ़ा, पहला पुर्तगाली मतलब पोर्चुगीज पढ़ा, पहला फ्रांसीसी पढ़ा, अब मुझे बताओ पहला डचमैन, ये नहीं हुआ था ठीक। हुटमैन हुटमैन हुटमैन, फिलिप्स वन। चलो चेक करते हैं आंसर, आंसर है एग्जैक्टली सेम, हुटमैन आंसर सही है, वेरी गुड वेरी गुड। इन 1597, वेरी गुड स्टूडेंट्स वेरी गुड। चल अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। Who among the following rejected the policy of Lord Lytton? Lord Lytton की forward policy किसने reject की थी? निम्नलिखित में से किसने Lord Lytton की आपकी अग्रगामी नीति क्या की थी, तिरस्कृत की थी? Lord Ripon, Lord Elgin, Lord Curzon या Lord Irwin? बताइए किसने की थी।
बताइए। ए आंसर ए ए बताओ भाई। चलो अच्छा ठीक है, आंसर चेक करते क्या। आंसर हमारा लॉर्ड कर्सन रिजेक्टेड। सॉरी आप बताओ, क्लास के बीच में हिकअप्स आने लगे मैम को, तो क्या करें मैम? हिकअप का मतलब होता है हिंदी में, हम लोग इचकी कहते हैं ना, वही हिकअप्स आ रहे हैं। चल तो जो लॉर्ड कर्सन है इसने रिजेक्ट करी है, सॉरी फॉरवर्ड पॉलिसी आपकी लॉर्ड लिटन की, ठीक, और एक नई पॉलिसी आपकी अपनाई। क्लियर? किसने करी थी रिजेक्ट? कर्सन ने। अच्छा ये फॉरवर्ड पॉलिसी इसने अपनाई किस किस एरियाज के लिए थी? लॉर्ड लिटन ने ये फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई किस किस एरियाज के लिए थी? अच्छा नकुल तुक्का था बट सही हो गया, चलो अच्छी बात है। हाँ चल, खैबर पास, खुर्रम वैली एंड आपका वजीरिस्तान, ये तीन जो जगह है, इन तीन जगह के लिए इन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई थी जो कि कर्सन ने अपने टाइम पे आकर रिजेक्ट कर दी थी। ठीक है, ओके सॉफ्ट योर पर्ल्स। ठीक चलो अब नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। विच ऑफ दीज बैटल्स प्रूव्ड डिसेसिव इन दी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया? आपकी इनमें से कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी आपकी प्रतिद्वंदिता में निर्णायक साबित हुई है? बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, बैटल ऑफ वैंडीवॉश, आपका बैटल ऑफ असाय या बैटल ऑफ चिलियनवाला? बताइए। बैटल ऑफ वैंडीवॉश, बैटल ऑफ वैंडीवॉश, बैटल ऑफ वैंडीवॉश। ठीक, अवधेश पूछ रहा है मैम ये फॉरवर्ड पॉलिसी क्या होती है। अवधेश ये क्लास खत्म होने के बाद नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देना, जैसे कि कल मैं आपको एक शॉर्ट में थोड़ा सा 5 मिनट्स के अंदर फॉरवर्ड पॉलिसी समझा दूं। ठीक है चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। वैंडी वॉश क्या हो या आपका चिलिन वाला? बताइए। आंसर बी एग्जैक्टली सही है। क्या एग्जैक्टली सही है? आंसर बी एग्जैक्टली सही है, बैटल ऑफ वैंडी वॉश। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। मैं देख रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत कम गलत आंसर दे रहे हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत कम गलत आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट, द फेमस बुक बृहत कथा वॉज रिटन बाय, प्रसिद्ध पुस्तक बृहत कथा किसके द्वारा लिखी गई है? गुणाद्या या आपका सर्वमा या आपका पाणिनि या आपका राधा गुप्त? बताइए किसके द्वारा लिखी गई, बताइए किसके द्वारा लिखी गई? पाणिनि के द्वारा, गुप्त के द्वारा या आपका वर्मन के द्वारा या आपका गुंधेया के द्वारा? बताइए। गुंधेया है, ठीक है, आपका वर्मन है, पाणिनि है या आपका राधा गुप्त है? ठीक, अच्छा ऋतिक कह रहे मैम ये कौन है। ठीक चल, बृहत कथा बिल्कुल सही बात है, गुंधेया के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत बड़े आपके स्कॉलर थे, किसके राज्य के थे? सातवाहन राजा था हाला, उसके समय में, उसके कार्यकाल में आपको ये मिलेंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हरप्पन साइट हैज बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल को 3 भागों में विभाजित किया गया है? धोलावीरा, सुरकोडा, आपका दाइमाबाद या आपका मोहनजोदारो? बताइए किसमें किया है।
अच्छा प्रिया तोष बेटा, बेसिकली एनसीईआरटी है, आफ्टर दैट स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, उसके बाद स्पेक्ट्रम। ठीक है चलो। चेक करें इसका आंसर, इसका आंसर ए एग्जैक्टली सही है, डोला बोला। ठीक, ये जो आपका हड़प्पा साइट है जिसको तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया था, वो तीन पार्ट में डिवाइड होने वाली हड़प्पा साइट हमारी धौला वीरा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुदर्शन लेक को सेकेंड टाइम किसने रिपेयर किया था? मैंने ये नहीं पूछा सुदर्शन लेक को किसने रिपेयर किया था, बहुत सारे लोगों ने रिपेयर किया था। मैंने ये नहीं पूछा सुदर्शन लेक किसने बनाया था, मैं पूछ रही हूँ सुदर्शन लेक को सेकेंड टाइम किसने रिपेयर किया था। डैश के शासनकाल में दूसरी बार सुदर्शन झील की मरम्मत हुई थी या मरम्मत की गई थी, बताइए। बताइए, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर ये एग्जैक्टली सही है, स्कंदगुप्त। देखिए जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का मेंशन है, सुदर्शन लेक के बारे में मेंशन है कि ये लेक आपका बनाया था, मौर्यन एम्पायर में बनाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद आपके साफ रूलर थे रुद्रामनवन, ठीक, बट इसके बाद इसको जो रिपेयर किया गया था वो स्कंदगुप्त के द्वारा रिपेयर किया गया था, और उसका गवर्नर था आपका पर्णदत्ता, उसने उसको बोला था। तो सेकेंड आदमी जिसने इसको रिपेयर किया था वो थे आपके स्कंदगुप्त, तो नहीं रुद्रामन, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। देखो आपके रुद्रामन नहीं, स्कंदगुप्त कैसे भाई, सेकेंड टाइम रिपेयर किया था, फर्स्ट टाइम रुद्रामन ने रिपेयर किया था, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। देखो यही पॉइंट मैंने बोला, बनाया मौर्यन एम्पायर के समय में बना था, ठीक, मौर्यन एम्पायर के समय में बनने के बाद इसको रुद्रामन वन ने पहली बार रिपेयर किया, फिर दूसरी बार इसको किसने रिपेयर किया, स्कंदगुप्त ने, ना कि रुद्रामन ने। इसीलिए मैंने बार बार ही पॉइंट बोला कि सेकेंड टाइम रिपेयर, फर्स्ट टाइम रिपेयर तो शाखा रूलर ने आपका 150 AD में किया था रुद्रावर्मन ने, पर सेकेंड टाइम रिपेयर किसने किया, स्कंदगुप्त ने। आंसर पता है तुम लोग को, बट थोड़ा सा क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जाते हो, स्लाइटली क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुंडका उपनिषद का, आपका मुंडका उपनिषद एंड आपका पर्सना उपनिषद, ये तीनों किस वेद से संबंधित है, बताइए। मुंडक उपनिषद, ठीक है, मुंडका उपनिषद, ठीक, आपका ये किस वेद से संबंधित है, या आपका प्रश्न उपनिषद, प्रश्न उपनिषद किस से आपका संबंधित है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद, बताइए। अच्छा अरुण, आज के क्वेश्चंस का लेवल सही है। देखो जब खाली प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे ना बेटा, तो क्वेश्चंस थोड़े टफ लेकर आएंगे, क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है। ये बात यहाँ पे साबित हो रही है कि आपको टॉपिक कौन सा घर जाके रिवाइज करना है, या घर में बैठने के बाद कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है, या आपको मुझसे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, यहाँ पे ये बात आती है। और जब टॉपिक के साथ क्वेश्चंस लाते हैं तो उनका लेवल हमेशा उतना ही रखते हैं जो एग्जाम का लेवल है, तो ठीक है, इस चीज को हम ध्यान में रखते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। ठीक है, बी 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 कई बार आंसर है, चेक करते हैं।
अथर्वेद आंसर बिल्कुल सही, आंसर अथर्वेद एग्जैक्टली सही। अथर्वेद जो है वो आपका ये तीनों उपनिषद को अपने में रखता है, ठीक है, मुंडका उपनिषद, आपका मुंडक, मुंडकिया, ये आपका प्रश्न उपनिषद, ये तीनों के तीनों को, ठीक है, क्लियर। गौरीशा क्या करोगे जानकर, गौरीशा जानकर क्या करोगे ये बताओ पहले, फिर हम बता देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। द फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियन हु ट्रीटेड मैथमेटिक्स एज अ डिफरेंट डिसिप्लिन, पहला भारतीय गणितज्ञ जिसने गणित को एक अलग विषय के रूप में माना था, बताइए वरामी, आर्यभट्ट या रामानुजम या आपका बौद्धयान, बताइए। अवधेश, मैंने कई बार आप लोग स्टूडेंट्स को बताया कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस किया करिए, ठीक, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस किया करिए अपनी स्टडीज पर, डाइवर्जेंस बहुत होते हैं और डाइवर्जेंस को आप डाइवर्जेंट की तरह देखिए और इग्नोर करते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट सी, ओके, रामानुजम, एक आंसर रामानुजम भी आया है, ओके, सी आंसर रामानुजम, ठीक। चलिए चेक करते हैं, आंसर बी हमारा एग्जैक्टली सही है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वो पहले व्यक्ति थे जो कि आपके सबसे बड़े मेजर मैथमेटिशियन प्लस एस्ट्रोनॉमर हुआ, एस्ट्रोनॉमर मतलब जो तारों को देखता है, ठीक है, जो तारा शास्त्र पढ़ते हैं, ठीक, वो एस्ट्रोनॉमर होते हैं, क्लियर। इन्होंने मैथमेटिक्स को बिल्कुल अलग सब्जेक्ट के तौर पर रखा था, तब जिन बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं कम समझ में आती, जिन बच्चों का मैथमेटिक्स बहुत ही वीक सब्जेक्ट है, वो बच्चे आर्यभट्ट से गुस्सा रहेंगे। अच्छा, थैंक यू डिंपल। चलिए विवेक ने बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड विवेक। देखो रामानुजम बहुत फेमस व्यक्ति है, कंफ्यूज होना बनता, गलत बात नहीं है, मैं इसीलिए किसी स्टूडेंट को ये नहीं बोल रही हूँ कि गलत है, आप लोग अपनी नॉलेज से सही हो, क्योंकि ऑप्शन मैंने ऐसे ही डाले, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र हैज बीन मेंशन्ड इन विच वेदास, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है, बताइए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्वेद। अच्छा रामो आपकी मैथमेटिक्स वीक है, रामो की मैथमेटिक्स वीक है, तो रामो आप मैथमेटिक्स के यहाँ पे लाइव सेशन चलते हैं उनको देखिए, और जो टॉपिक पे कंफ्यूजन वो टॉपिक कमेंट में मेंशन करिए, जिससे कि सर आपका कमेंट पढ़े और आपको ये दे सके, आपको उस टॉपिक की क्लासेस बिल्कुल प्रोवाइड करवा दें, ठीक है। वन आंसर ए, तबस्सुम अतुल का आंसर ए आ रहा है, ऋग्वेद, वेरी गुड वेरी गुड, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर ऋग्वेद एग्जैक्टली सही, गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद में है, ठीक है, ठीक, थैंक यू संजीव। चलिए हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ बीजापुर स्टेट, निम्नलिखित में से कौन बीजापुर राज्य के संस्थापक थे, बताइए यूसुफ आदिल शाह, मुराद सेकेंड, महमूद सेकेंड, इब्राहिम जुब्राई, बताइए बीजापुर स्टेट के फाउंडर कौन है। ये बीजापुर राज्य कई बार सुनते हो, पुर्तगालियों ने बीजापुर राजा से ही गोवा अपने पास छीन लिया था, ठीक है ना, तो बीजापुर तो हमेशा ही फेमस रहा। आसिफ आदिल, अच्छा सॉरी आदिल आंसर, ठीक, हाँ जादू टोना वाले जो मंत्र होते वो अथर्वेद में होते, ये पॉइंट एग्जैक्टली सही। अच्छा आदिल, आदिल शाह, आदिल शाह, आदिल शाह, आदिल शाह, मैं देख रही हूँ काफी स्टूडेंट्स जो है वो आदिल शाह आंसर देंगे, गुड वेरी गुड। चलिए चेक करते आंसर है, बिल्कुल सही है आप लोगों का, यूसुफ आदिल शाह ही है जिन्होंने बीजापुर की स्थापना की है या उसके संस्थापक। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द थ्री संगम और असेंबलीज वर हेल्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. निम्नलिखित में से किस किसके संरक्षण में तीन संगम या सभाएं आयोजित की गई हैं. पल्लवा किंग, चोला किंग, पांड्या किंग या चेरा किंग, बताइए किसके द्वारा की गई है. पल्लवा राजा या आपका चोला राजा, पांड्या राजा, चेरा राजा. ठीक, बताइए. तीन संगम, थ्री संगम. गोलकुंडा जहां डायमंड मिला था, डायमंड कोहिनूर, बिल्कुल. चोला 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 किंग्स, चोला किंग, ठीक, चोल किंग्स. देखो इंग्लिश में चोला हो जाता है बट एक्चुअली मैं उसको चोल ही बोला जाता है. चोल राज्यवंशी, ठीक, चोल, ठीक. सारे स्टूडेंट्स ने चोल बोला, वेरी गुड. बट आंसर सी, पांड्या किंग्स. ये जो शब्द संगम है इसका मतलब होता है असेंबली या सभा, मतलब साथ में बैठ के मीटिंग करनी. ये यहाँ पर तमिल आपके जितने भी कवि थे, तमिल कवि बैठा करते थे तीन संगम के रेफरेंस में, ठीक है. तो ये आपका मदुरई के पांड्या, आपके पांड्य किंग थे उनके टाइम में हुआ था, ना कि चोल, ठीक है. पांड्या के टाइम पे हुआ था, ना कि चोल. नहीं नहीं चोला किंग नहीं, चोल, ठीक, चोल राज्य नहीं, पांड्य राज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच एरा इज नोन एज द एज ऑफ मैमल्स. किस युग को आप स्तनधारियों का युग कहा जाता है, बताइए. आपके पेलियोजोई, सीनोजोई, मीजोजोई या नियोजोई, बताइए क्या होगा. अच्छा अच्छा गोल गुंबद, ओके ओके, ठीक है. अभी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे फिर इसके बाद आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है बेटा. अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन होता है ना रामू, तो आप रामू को पर्सनल क्वेश्चन अपना हमेशा नीचे कमेंट्स में मेंशन किया करिए क्लास खत्म होने के बाद. आप याद रखिए आपके उस क्वेश्चन का आंसर जरूर आपको मिलेगा जहां पर आपके क्वेश्चन ऊपर हो जाते हैं, ठीक है. इसकी वजह से हम देख नहीं पाते, बताइए. चलो चेक करते हैं इसका आंसर. इसका आंसर बी एग्जैक्टली सही है. सीनोजोइक जो होते हैं वो 65 मिलियन ईयर्स अगो है, ठीक है. जब आपका क्रस्टेशियन पीरियड खत्म हुआ था तब आपका सीनोजोइक पीरियड आया था डायनासोर्स के खत्म होने के बाद. तो ये बेसिकली जो सीनोजोइक है उसको एज ऑफ मैमल्स बोलते हैं, ठीक, क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है द मनसबदारी सिस्टम वॉज बोरोड फ्रॉम. मनसबदारी प्रथा किससे उधार ली गई है. अफगानिस्तान, टर्की, मंगोलिया या पर्शिया, किससे ली गई है उधार, बताइए. चलिए ठीक है, तो इस वीक के बाद जो हम क्लास लेंगे उसमें जो सबसे पहली क्लास ले लेंगे वो क्लास हम आपकी क्या कर देंगे मॉन्यूमेंट्स की क्लास, कि किसने कौन सा मॉन्यूमेंट बनाया, ठीक. तो वो क्लास आपके लिए बड़ी फायदेमंद हो जाएगी, किसने कौन सा मॉन्यूमेंट बनाया ये क्लास हम ले लेंगे, ठीक है. आप खुश, किसने कौन सा मॉन्यूमेंट बनाया ये क्लास हम ले लेंगे, क्लियर स्टूडेंट्स. चलिए तुर्की 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 तुर्की, चलो वेरी गुड. आंसर सी है मंगोलिया. मनसबदारी सिस्टम सबसे पहले मंगोलिया में आया था. टर्की नहीं, मंगोलिया. टर्की नहीं, मंगोलिया, ठीक. चल नेक्स्ट क्वेश्चन. अकबरनामा वॉज रिटन ओरिजिनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज. अकबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था. चटकाई तुर्क, पर्शियन, अरेबिक या उर्दू. चटकाई तुर्की, फारसी, अरेबी या उर्दू,
बताइए किसने लिखी गई थी, बताइए किसमें लिखा गया है स्टूडेंट, चटकानी तुर्क, पर्शियन, अरेबिक या उर्दू, किसमें लिखी गई है? ठीक है ठीक है, विवेक नाम तो हो गया है, बट क्या था, जब ये पहले अपनाए जाने की बात हो रही थी तब इसको इसी नाम से जाना जाता था, तो हम वही नाम लिखेंगे। ठीक है, आंसर बी एग्जैक्टली सही है, पर्शियन, फारसी भाषा, फारसी भाषा में लिखा गया था अकबरनामा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामानुजम टॉट इन विच ऑफ दी फॉलोइंग टेम्पल, रामानुजम निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिक्षा देते थे, मदुरई या आपका मल्लापुरम, आपका श्री रंगनम या आपका तिरुमान, बताइए, श्री रंगम, तिरुमाला या आपका मल्लापुरम या आपका मदुरई, बताइए। किसमें भाई, किसमें लिखा जाता है, किसमें पढ़ाते थे वो? ए आंसर मदुरई, मदुरई, मदुरई आंसर नहीं होगा, आंसर सौरभ सोनी का बिल्कुल सही है, गुड, सौरभ सोनी का आंसर बिल्कुल सही है, सी श्रीरंगम, वही पढ़ाते थे। ठीक है चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग दी फॉलोइंग बिल्ट दी मॉस्क आपका कुवतलू इस्लाम एट दिल्ली, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में कुवतलू इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था, आपका अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या बाबर, बताइए। अच्छा ठीक है चलो सौरभ, गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ओके, चल चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर सी एग्जैक्टली सही है, आंसर सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुवलू इस्लाम जो बना था मस्जिद वो मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ठीक चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, आंसर सी मैं देख रही थी, मैक्सिमम बच्चों ने सही दिया, कोई गलत नहीं दे रहा था आंसर, बस एक संजीव का आंसर भी आया था, बाकी सबका आंसर सी आया है। ठीक गुड वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ पॉलिटिकल पैम्फलेट रिटन बाय फिरोज शाह तुगलक टू विन दी सिंपैथी एंड कोऑपरेशन ऑफ हिज को रिलीजनिस्ट, देखिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने से धर्मवादियों की सहानुभूति और सहयोग जीतने के लिए लिखा गया एक राजनीतिक पैम्फलेट निम्नलिखित में से कौन सा था, तारीख फिरोजशाही, तुगलक नामा, फितूत ए फिरोजशाही या आपका तबकात ए फिरोजशाही, बताइए कौन सा था, बताओ, सब जानते हो फिरोज शाह तुगलक को, आंसर सी एग्जैक्टली सही, कौन सा, आंसर सी एग्जैक्टली सही आपका, क्या आएगा, फितूत ए फिरोजशाही, क्या आंसर आएगा, फितूत ए फिरोजशाही, ठीक समझ गए, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज तुर्कान ए चहलगानी और दी 40, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान ए चहलगानी या 40 का आयोजन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुतार, नाजिरुद्दीन मोहम्मद या इल्तुतमिश, बताइए।
बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं। देखो चालीसा की बात तुतमिश ने की थी चहलगानी की, और चालीसा की बात। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू टू ओवरकम द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। निम्नलिखित में से किस शासक ने वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए भू राजस्व में वृद्धि की थी? ग्यासुद्दीन तुगलक शाह, ठीक, सेकेंड या आपका अबू बकर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक, किसने किया था ये काम? इल्तुतमिश आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड, इल्तुतमिश आंसर बिल्कुल सही। हाँ इसका आंसर भी सही आ रहा है, गुड वेरी गुड, मोहम्मद बिन तुगलक। भाई मोहम्मद बिन तुगलक ही तो था जिसने दोयाब के रीजन में टैक्स को बढ़ा दिया था, और टैक्स बढ़ा दिया था बट वहां पर समय सूखा पड़ गया और जबरदस्ती इसके सैनिक लेना चाह रहे थे, तो वहां के लोग दे तो पा नहीं रहे थे, आत्महत्या करने लगे थे। बाबू जब इसको पता लगा तो इसने टैक्स हटा दिया, बट तब तक बहुत देर हो गई। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो तो आप लोग वो डाउट नीचे मेंशन कर सकते हो कमेंट्स में, क्लास एंड होने के बाद हम आपकी वो डाउट्स कंप्लीटली क्लियर कर देंगे। ठीक, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।